सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल, क्योंकि विद्नाज को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो आप सब लोगों को देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल, क्योंकि विद्नाजने के साथ जुड़ जाएं। तो व्यूवर, जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें पीने को दिल करता है, ड्रिंक्स हो, शेक हो, तो आज उसी गर्मी की निस्बत से ही आज हम आप लोगों के साथ एक जो सी है वो शेक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है ओरियो शेक। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने तकरीबन 6 से 8 ओरियो बिस्किट लिए हैं, 1 कप जो सी चीनी है, ये है वनीला आइसक्रीम, बेकरी पे बिल्कुल नहीं मिल रही थी, सिर्फ वहाँ पे मैंगो या जो सी चॉकलेट आइसक्रीम थी वो थी, तो अब हमने ये दुकान से लिए, तो वो कहते हैं हम लोग वाइट कलर की जो आइसक्रीम लोग पसंद नहीं करते, तो इसलिए जो सी ये है वो ग्रीन कलर की उन्होंने फूड कलर डाला हुआ इसके अंदर आइस, और ये है दूध। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जग में डालते हैं दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना आप लोगों को चाहिए आप उतना दूध ले सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ 2 ग्लास ही जौन से वो बना रही हूँ, और 1 कप जौन सी है चीनी, और जो से ये बिस्किट हैं ये आपने तोड़ के इस तरह डालने हैं, साबुत नहीं डालें ताकि जौन से वो इजीली ब्लेंड हो जाए। और इसके ज़्यादा टेस्ट के लिए आइसक्रीम डालनी है, अगर मतलब है आपके पास ठीक है, वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, वरना कुल्फा भी डाल सकते हैं, लेकिन वनीला जो सी वो ज़्यादा बेहतर है, वही डालें आप, तो इंशाल्लाह ये जो सी है शेक ओरियो के आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये भी जो सी आइसक्रीम है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं ब्लेंड। और हाँ सच, जो सी बर्फ वो तो मैं भूल गई, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर, ठंडा ठंडा तो जो सा हमारा शेक है वो तैयार हो जाए। अब इसको करते हैं ब्लेंड और आपको दिखाते हैं। जो तो व्यूवर्स अब देखें, ये देखें जी, मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड, ये हमारा ओरियो शेक हो गया है तैयार। अब इसको निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने इसके ऊपर ये जोन से है ओरियो के चंक्स, ताकि इससे इसका टेस्ट हो जाए दोबारा। ये डाल देंगे, ये मैंने मंगाई थी चॉकलेट स्टिक्स, इसके साथ हम लोग इसको प्रेजेंट करें। ये तो व्यूवर्स गर्मी के मौसम में ठंडा ठार जो सा हमारा ओरियो शेक हो गया है तैयार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी शेक की रेसिपी है जो हमने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और हमारे चैनल को विद्नाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को, हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठार ओरियो शेक बनाएँ और हमें दुआएँ दें। अल्लाह हाफिज़।